हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ व्रत की एक न्यू रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी समा का चावल, जो देखने में बिल्कुल सूजी जैसा होता है, रवा जैसा। एक कटोरी चावल ले लेना है, इसे अच्छे से साफ कर लेना है। इसे दो तीन बार पानी चेंज कर करके धो लेंगे हम, हाथों से रगड़ रगड़ के इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। चावल को मैंने धो लिया है। अब इसमें मैं दो ग्लास पानी डाल के फूलने के लिए छोड़ दूंगी 2 घंटे के लिए। आप ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ दे सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो समा का चावल है ना, वो ज़्यादा फूलता नहीं है। देखिए 2 घंटे हो गए हैं, आप देख सकते हैं बस इसके दाने थोड़े बड़े हो जाते हैं और हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब इसे हम पीस के एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। थोड़े से पानी में इसका एक पेस्ट बनाना है, जितना पानी है उसको यूज नहीं करना है, बाकी का पानी निकाल देंगे। देखिए एक मिक्सर जार लेना है, एक्स्ट्रा पानी को फेंक देना है और थोड़े से पानी डाल के इसका गाढ़ा पेस्ट बनाना है। देखिए पेस्ट हमारा रेडी है, मैंने गाढ़ी पेस्ट रेडी कर ली है। अब इसमें हमको डालने के लिए एक चाहिए लौकी। यहाँ पे लौकी का छोटा टुकड़ा लिया है मैंने, उसका छिलका पहले उतार लेंगे अच्छे से। छिलका उतारने के बाद इसको वॉश करके और ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेना है लौकी को। देखिए लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया है। अभी जो सारा ग्रेट किया हुआ लौकी है ना, इसको हमने चावल का जो पेस्ट बनाया था उसमें डाल देंगे। कोई भी इसका पानी नहीं निचोड़ना है, जैसे ग्रेट किया था वैसे ही डाल देना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो व्रत वाला नमक जो सेंधा नमक आता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। 2 हरी मिर्च और 1 अदरक का छोटा सा टुकड़ा मैंने कूट लिया था और 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया था, उसे भी इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगता है, बहुत ही कम सामान में बहुत ही चटपटी ये लौकी का चिल्ला बन के रेडी हो जाता है व्रत में खाने के लिए। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच दही भी मिला सकते हैं, अगर नहीं है तो ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, लौकी और चावल का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन गरम होने के लिए रख दिया है, गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और जो हमने बैटर बना के रखा था 1 स्पून के हेल्प से पैन में डालेंगे और एक गोल शेप दे देंगे, ऐसे स्पून के हेल्प से इसको फैला लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। देखिए आप चाहे तो जैसा शेप देना चाहें वैसा दे सकते हैं, तिकोना, चौकोर या गोल, कोई भी शेप में आप इसे बना सकते हैं। अब इसे हम कवर करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2-3 मिनट हो गए, कवर हटा के हम चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं साइड में ब्राउन पैचेस दिखने लगे हैं, तो इसे हम अब पलट लेंगे। एक स्पैचुला के हेल्प से इसे हम आराम से बिल्कुल धीरे धीरे छुड़ाते हुए पलट लेंगे। हमारा जो पैन है नॉनस्टिक है, तो इसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरे साइड से पलट के फिर से हम थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। देखिए दूसरे साइड से पलट दिया है मैंने, फिर से मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दूंगी ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक जाए और ये हमारा जो चिल्ला है वो क्रिस्पी बने। दूसरे साइड में पलटने के बाद भी इसको कवर करके पका लेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए और जो हमारा चिल्ला है कच्चा ना रहे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बन के बिल्कुल रेडी है हमारा लौकी और समा के चावल का चिल्ला। ये बहुत ही टेस्टी होता है और कम समय में बन के रेडी होता है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और जितना हमको बनाना है, 2 या 3 4 सब सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे और गर्मा गर्म परोसते जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 2 रेडी कर लिया है। इसे दही के साथ, व्रत वाले चटनी के साथ आप सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ऐसे नॉर्मल दिनों में भी इसे बना सकते हैं। समा के चावल की जगह पे आप
नॉर्मल जो चावल आता है जो हम घर में यूज करते हैं खाने के लिए, उस चावल को भिगो के और लौकी के साथ ऐसा चीला बना सकते हैं नाश्ते में। उस चावल का भी बहुत अच्छा बनता है। और हम व्रत के लिए बनाए हैं तो समा का चावल का इस्तेमाल किए हैं। अगर ऐसे नॉर्मल दिनों में खाना हो तो हम जो नॉर्मल चावल आता है कोई भी मंसूरी सूरती कोलम जो भी आप चावल यूज करते हैं उससे ये नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। और भी जो मसाले ऐड करने हो और भी वेजीज जो ऐड करने हो करके देखिए, मैं इसे दही के साथ सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म। बहुत ही अच्छा बना था ये नाश्ता, आप ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताएं कि ये आपकी रेसिपी कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।